आपका एग्जाम कैसा गया बताओ? बहुत ही खतरनाक गया आज का मेरा एग्जाम। पर्रे चलाया आपने? पर्रे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं और आसिफ लाइफ में फर्स्ट बार कॉलेज जा रहे हैं, वो भी एग्जाम देने। ई रिक्शा आ रहा है तो इसको रोकेंगे और बैठेंगे, दिलशाद गार्डन चलेंगे। सो ई रिक्शा में बैठ चुके हैं और यहाँ से दिलशाद गार्डन जाएंगे। इस अंडरपास हमने पास कर लिए दिलशाद गार्डन का, और हमें चलते चलते पता कौन मिला? वीरेश भाई मिले, और उनका भी वही सेंटर है द्वारका पे। टोकन लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है क्योंकि मशीन अंदर पैसे जा रहे हैं फिर वापस आ जा रहे हैं। मेट्रो आ चुकी है और चलते अंदर। अरे यार, जगह तो फुल हो। देखो आसिफ अभी पढ़ रहा है, देखो रोबोट की तरह पढ़ लियो। इन भाई ने अभी तक हॉल टिकट प्रिंट नहीं करवाई है। साहिल एक बात बता, तो पेपर देना आप पढ़ गया कुछ? नो कमेंट्स है। वीरेश भाई पढ़ गया? बस भाई एक आध अक्षर देख लिया था उसका, देखते हैं क्या होगा पेपर। तो कैंपस अब उगी नहीं। ये लड़का देख रहा है कि कौन सा पेज फाड़ के पर्रे में डाल लो। कश्मीरी गेट पे उतर चुके हैं और यहाँ से अंडरग्राउंड ही जाना है। ये कटप्पा, ये सच में पहचान में नहीं आ रहा है। फोटो लाए ना अपनी, पहचानेंगे नहीं और एंट्री तो करेंगे नहीं तेरी, कहेंगे बंदा दूसरा है, उससे बेहतर। राजीव चौक आ चुके हैं और यहाँ से चेंज करना अब सीधा द्वारका के लिए। गाइस ये पैरों के निशान पता नहीं किन अंकल के हैं। राजीव चौक पे हम बैठ चुके हैं मेट्रो पे। देखिए कितना पढ़ा है, पढ़ लिया पास हो जाएगा? पूरे पेपर में फर्स्ट आऊँगा, देखो चले पीछे से। और इसको देखो कोई फिगर नहीं है कबीर का। ये वो बंदे होते हैं जिनका अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। इन्होंने पढ़ा कुछ नहीं होता है लेकिन एक कॉन्फिडेंस होता है, उसको आप ओवर कॉन्फिडेंस को या कॉन्फिडेंस, तो उसी कॉन्फिडेंस में ये बंदा अच्छे लोग बैठा पड़ा है। द्वार का मोड़ आ चुके हैं और हम नीचे की ओर चलते हैं, शायद रिक्शा लेना पड़े हमें वहाँ से। द्वार का मोड़ मेट्रो स्टेशन से उतरते ही बाहर आए और वहाँ ई रिक्शा पकड़िए और उनसे कहे कि दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज तक छोड़ दी, और आपको सिर्फ 10 रुपये देना, सिर्फ 10 रुपये। में एक्साइटमेंट इसलिए नहीं है हम सबको कि हम कॉलेज जा रहे हैं या एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। एक्साइटमेंट इस बात की है कि हम लाइफ में फर्स्ट टाइम कॉलेज जा रहे हैं, वहाँ देखेंगे क्योंकि ऐसा होता है कॉलेज। गाइस हम आ चुके कॉलेज के बाहर, ये रहा कॉलेज, और यहाँ एकदम भीड़ भड़कता हो रही है एकदम बहुत ज़्यादा। देखो बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और आपको कुछ लोगों से मिलवाता, बड़े लोगों से। ये देखो रोहित भी एग्जाम देने आना भाई। चेन और तेरी, और आशीष भाई आए करो। और ये चाय वाले वीरेश भाई और हैरी, ये मेट्रो में मिला दिलशाद गार्डन। और ये भाई हमें यहाँ पढ़ा मिला था बहुत दिनों बाद, कम से कम 2.5-3 साल बाद देख रहा हूँ इसे। कटाइए भाई, मैं तो तेरे को रोज देखता हूँ, YouTube में आता रहता है वो, उस पे देखते हैं ना, मैंने नहीं देखा ना। सो गाइस हमारा एग्ज़ाम हो चुका है ख़त्म, आज का एजुकेशन का एग्ज़ाम था। और हम हमारा अनुभव की बात करें, कैसा रहा अनुभव? भाई 2 क्वेश्चन करके आया हूँ, 4 पेज भर के आया हूँ। और तूने कैसा करा? अबे पूरा अपना फाड़ के आ गया तेरा भाई, पेपर फाड़ना नहीं था। और सर आपने एग्जाम कैसा दिया? सबसे बढ़िया एग्जाम, 32 पेज लिखे मैंने सुना। हाँ, और दूसरों का भी करा दिया। अरे वाह, सारा कुछ आउट ऑफ सिलेबस तो आया नहीं, बड़े अच्छे है और पढ़ा नहीं है इसलिए कुछ अच्छा नहीं गया। और सर आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा भाई, सारे क्वेश्चन। ये ध्रुव है जीपी में जो पढ़ता था, पहचानते हो तो कमेंट करो।
कॉलेज का व्यू दिखाता हूँ। बहुत सारे बच्चे के हो गए और अपने दोस्तों का वेट कर रहे हैं। ले जा मारूंगा ना इतना मार। चले जाए। देखो कॉलेज कितना मस्त है, दीनदयाल उपाध्याय ये देखो कॉलेज दिखा रहा हूँ। तो यार साहिल तो मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। साहिल को किडनैप कर लिया। मुझे तो लग रहा है वहाँ के टीचर ने रख लिया आज के लिए, पार्टी के लिए। स्कूल की सफाई करवाएंगे यूनिवर्सिटी की। अब देखो क्या करवाते हैं। ये देखो लोग गाइस, हमें चलते चलते मिले हैं कुछ बंदे, आपको मिलाता हूँ। जो दो भाई है धर्मेश और सागर भाई, ये रहे धर्मेश भाई जो टैटू आर्टिस्ट थे, और ये सागर भाई और ये धर्मेश भाई। सो गाइस फाइनली हमारे एग्जाम हो चुके हैं खत्म। ये देखो कॉलेज, और एक अंकल से पूछते हैं कि उनका एग्जाम कैसा गया। तो भाई साहब आप बताए आपका एग्जाम कैसा गया। पहला तू अंधा है क्या, मैं तेरे को अंकल दिख रहा हूँ। और रही बात एग्जाम की, तो आज का एग्जाम मेरा एकदम मस्त गया, एकदम जहरीला सांप की तरह। मैंने सुना आपको आगे बिठा दिया। हाँ यार आज आगे बिठा दिया, चीटिंग नहीं कर पाया आज मैं। पर्रे नहीं चलाया आपने? नहीं चलाया, लेकिन आज मैंने फिर भी अपनी मेहनत से किया और एकदम मस्त पेपर गया है मेरा आज का। और सर आपका पेपर कैसा गया, आप सच बताइए। एकदम और फर्रे वर्रे नहीं ले गया? लेके गया था लेकिन यूज बिल्कुल नहीं करे। अच्छा इतना आत्मविश्वास था कि फर्रे यूज नहीं करे। फर्रे मैंने ही बना के दिए थे इसको। और सर आपका हिस्ट्री का एग्जाम कैसा गया? ये गया, और मैं वीडियो डालूंगा देख लेना सर आप। ये साइल लड़का है, इसका एक पेपर कैंसिल हो चुका अंकल, देख लो वीडियो। सर आपका वीडियो कैसा गया अंकल? आपको कोई से नहीं आया, पढ़ के नहीं आए थे क्या? और कोई भी आना है क्या?